लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के फेज टू के अंतर्गत मधुबनी जिले की जयनगर बस्ती पंचायत में सोमवार को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों को पाग दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुखिया उपेंद्र शाह एवं मंच संचालन सूर्यनाथ महासेठ ने किया। प्रबंधन कार्य का शुभारंभ करते हुए जयनगर की डीएसपी विप्लव कुमार ने कहा कि बिना साफ सफाई के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आसपास के गंदगी से ही अनेकों प्रकार की बीमारियों का हम लोग शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार की योजना है कि गांव को स्वच्छ बनाया जाए। इसी उद्देश्य से लोहिया स्वच्छ अभियान फेज टू के तहत पंचायतों में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया है। उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक करते हुए ग्रामीणों से अपील किया गया कि प्रबंधन कार्य में सहयोग करें। आपके सहयोग से ही स्वच्छता अभियान सफल हो सकता है। जयनगर के बीडीओ राजीव रंजन ने बताया कि पंचायत के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता मित्र ठेले और ई रिक्शा के माध्यम से घर घर पहुंच गीले और सूखे कचरे को एकत्रित करेंगे। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि खुले में शौच नहीं करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कंचन कुमारी ने ग्रामीणों को बताया कि अपने अपने घरों में गीला कचरा को हरे रंग की डब्बा में एवं सूखे कचरे को नीले रंग के डब्बे में रखना है। आपके घर के पास स्वच्छता मित्र ठेले लेकर पहुंचेंगे। उस ठेले पर रखे गए नीले और हरे डब्बे में अपने घर के संबंधित डब्बे के कचरे को डाल देना है। इस मौके पर जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कंचन कुमारी, जयनगर बस्ती पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, उप मुखिया उपेंद्र शाह, वार्ड सदस्य सूर्यनाथ महासेठ, पप्पू मंडल, पवन सिंह, कपिल देव सिंह, देव कुमार यादव सहित अन्य मौजूद थे।